तो पीएम मोदी ने आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराया। पारंपरिक रूप से देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ही ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रेरित होकर 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की गई थी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज मैं उन माता पिता को नमन करता हूं जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे सपूत देश को दिया है। मैं नतमस्तक हूं उस सैनिकों और परिवारों के आगे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में खुद को न्यौछावर कर दिया। आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा फहराया गया। तो इसी के साथ नम आंखों से श्रद्धांजलि भी उन सभी को दी। राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया। मैं नतमस्तक हूं उन सैनिकों और उनके परिवारों के आगे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मैं पूरे विश्व में फैले उन भारतवासियों को भी स्मरण करता हूं जिन्होंने नेताजी के इस मिशन को तन मन धन से सहयोग किया था और स्वतंत्र समृद्ध सशक्त भारत बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। साथियों, आजाद हिंद सरकार या आजाद हिंद सरकार ये सिर्फ नाम नहीं था बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार द्वारा हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई गई थी। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में बनी नेशनल पुलिस मेमोरियल का भी उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों की शहादत की बातें करते हुए थोड़े भावुक भी हो गए। प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे राष्ट्र सेवा और समर्पण की अमर गाथा के प्रतीक राष्ट्र पुलिस मेमोरियल को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य में हर पुलिस स्टेशन हर पुलिस चौकी में तैनात राष्ट्र की हर संपदा की सुरक्षा में जुटे साथियों को राहत के काम में जुटे साथियों को आप सभी को मैं बधाई देता हूं। बहुतों को तो ये पता तक नहीं होगा कि कोई इमारत गिरने पर नाव हादसा होने पर आग लगने पर रेल हादसा होने पर राहत के काम की कमान संभालने वाले ये लोग कौन हैं। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब आपको शौर्य को नमन करना होता है। हम गर्व से भरे होते हैं लेकिन साथ ही अपने भीतर संवेदना का एक ज्वार भी महसूस करते हैं। मेरे लिए ये क्षण ऐसा ही है। देश की सुरक्षा में समर्पित प्रत्येक व्यक्ति को, यहां उपस्थित शहीदों के परिवारों को मैं पुलिस स्मृति दिवस पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज का ये दिन आप सभी की सेवा के साथ साथ आपके शौर्य और उच्च सर्वोच्च बलिदान को याद करने का है जो हमारी पुलिस और तो छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने 77 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पारंपरिक राजनाथ गांव सीट से प्रत्याशी होंगे। वहीं दूसरी ओर पार्टी ने 14 विधायकों की टिकट भी काट दी है। इस लिस्ट में मंत्री रमशीला साहू भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने शनिवार को अपने 77 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 90 सदस्य विधानसभा के लिए पहली सूची में जिन 77 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है इनमें 77 में से 14 महिला, 25 युवा चेहरे, 53 किसान और 10 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है।
बड़े नामों में राजनांदगांव से मुख्यमंत्री रमन सिंह, रायपुर दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल, रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत, भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे और बिलासपुर से अमर अग्रवाल को टिकट मिला है। वहीं टिकट कटने वालों में दुर्ग ग्रामीण से रामशिला साह का नाम प्रमुख है, जो सरकार में बाल कल्याण मंत्री भी हैं। वो खरसिया सीट से पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी को टिकट दिया गया है। वहीं खरसिया सीट से पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी को टिकट दिया गया है। चौधरी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ की सीट्स के बारे में निर्णय लिया और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन कमेटी के दृष्टि से जो नाम आए थे, हम सबको मालूम है कि 90 सीट्स हैं और 90 सीट्स में से 77 सीट्स पर निर्णय हुआ और 77 सीट्स को हम आज घोषित कर रहे हैं। उसमें जो फर्स्ट फेज है, जिसमें नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख 23 है, तो उसके 18 सीट्स हैं, उसमें से हम 17 सीट्स को आज डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी ने मंत्री समेत 14 विधायकों को फिर मौका नहीं दिया है। इस बार जिनका टिकट कटा है उनमें दुर्ग ग्रामीण से मंत्री रामशिला साह, वैशाली नगर से विद्या रतन भसीन, आरंग से नवीन मार्केंडे, चंद्रपुर से युद्धवीर सिंह, जुदेव तख्तपुर से राज क्षत्रिय, लै लुंगा से सनीति राठिया, अतागढ़ से भोजराज नाग शामिल है। युद्धवीर सिंह की जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। अब टिकट कटने के बाद पूर्व विधायकों समेत पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। पहली लिस्ट में जिन 14 लोगों को टिकट दिया है, क्या वो कमल खिला पाएंगे? इसके लिए 11 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों पर हर किसी की नजर टिकी है। बीजेपी जहां एक बार फिर सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को यकीन है कि इस बार राज्य में जनता बदलाव पर मुहर लगाएगी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो छत्तीसगढ़ से ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो हेड अनिल कुसादकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, पहली लिस्ट जो है बीजेपी ने अपनी जारी कर दी है, कितने नामों की घोषणा की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि कईयों के टिकट भी कटे हैं। जी, 14 लोगों के टिकट कटे हैं, 77 टोटल सीट डिक्लेयर हुई है और ऐसा माना जा रहा था कि कुछ ज्यादा टिकट कटेंगे, लेकिन टिकट कुछ कम कटी है, 14 टिकट कटी है। और ये बीजेपी ने पिछली बार भी जो है टिकट काटे थे अपने लोगों के, और पिछली बार भी उनको उसका फायदा मिला था। पिछली बार उन्होंने कम से कम जो है 19 टिकट काटे थे, जिसमें 12 लोग जीते थे और वही सरकार बनाने में काम आए थे। लेकिन बीजेपी जो है कुछ लोगों का, जो विधायक विधायकों का जो उनका परफॉर्मेंस खराब था, उनसे वो पहले ही कह चुके थे परफॉर्मेंस सुधारिए और नहीं तो आपका मुश्किल है, और उन्होंने वही कर दिखाया। अब असंतोष की बात है तो असंतोष कुछ इकसाने में जरूर उठ रहा है, लेकिन बीजेपी जो है वो इस असंतोष को सभी के मतलब सालों से झेलते आ रही है और वो उसको मैनेज कर लेगी, ऐसा उनके जो प्लानर है वो कह रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे। वही जो है इस पहले चरण के जो चुनाव की जो 18 है, 12 तारीख को जो पहला चरण का चुनाव होना है 22 तारीख को, उसमें 18 में जो 17 टिकट उन्होंने घोषित कर दी, जबकि कांग्रेस ने 12 टिकट घोषित कर पाई है। और रमन सिंह जो है वो पहले चरण के जो पोल होने हैं उसमें उनकी सीट राजनांदगांव है, तो राजनांदगांव की जो सीट में से जो है चुनाव प्रचार करके रमन सिंह जो है बाकी 72 सीट के लिए फ्री हो जाएंगे, जबकि कांग्रेस के जो दिग्गज है वो सब उन सबकी सीटें जो है दूसरे चरण के चुनाव में फंसी हुई है, तो उनको चुनाव में थोड़ा सा प्रचार प्रसार में जैसे रमन सिंह को फ्री हैंड मिलना है वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए स्ट्रेटजिकली जो है उनको फायदा मिलना तय दिखता है। जी। अनिल, जिस तरीके से जो 14 टिकटें काटी है जिन लोगों की, अब साफ तौर पर उनमें गुस्सा भी होगा, ऐसे में कहीं बीजेपी को जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा उनमें खामियाजा तो नहीं उठाना पड़ेगा? ये तो स्वाभाविक है, आपका बिल्कुल सवाल जायज है और गुस्सा तो टिकट जिसकी कटती है उसका गुस्सा होना जायज है, लेकिन बीजेपी पहले भी टिकट काट चुकी है, पिछली बार भी टिकट काट चुकी है और जिन लोगों के टिकट कटने थे उन लोगों को करीब करीब जो है ये एहसास करा दिया गया था कि आपकी टिकट कट रही है और उस पर, लेकिन रीजन कारण क्या बताया गया ना, क्योंकि टिकट काटी गई है तो कोई जी ऐसा कारण बताया गया होगा, वो क्या कारण है, क्यों उनको दोबारा से टिकट नहीं दी गई? उनका जीतना पहली माना नहीं जा रहा था और देखिए ये पार्टी का निर्णय है, फैसला है कि क्यों टिकट काटा है, लेकिन उनके जो है यहाँ पर खर्चा कुछ और भी थी, मतलब कुछ और लोगों का भी टिकट कटने की थी, लेकिन वो लोग किसी तरह से जो है टिकट बचाने में कामयाब हो गए,
ऐसे ये चर्चा जरूर थी कि जो और ज्यादा लोगों की कटनी है करती 20 करीब लोगों की कटनी है, लेकिन अभी 14 सीट कटी है और अभी 13 सीट और बची है। 13 सीट में जो रायपुर की जो है रायपुर शहर की जो है एक इम्पोर्टेंट सीट जो राजधानी है उसकी 4 में से 3 सीट डिक्लेयर हुई है, 1 सीट बची हुई है रायपुर उत्तर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, उसको भी रोक लिया गया है। तो वहां पर भी फेयर की बात चली रही है, तो फेयर मतलब तो बीजेपी ने पिछली बार भी किया था उसका फायदा मिला है कि लोग उकसा भी जाए, बहुत सारे चेहरे से उकसा भी जाते हैं। और यहाँ छत्तीसगढ़ में एंटी इनकमेंसी जो है सरकार के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के खिलाफ जरूर है, और जिन लोगों के खिलाफ है उनको बीजेपी ने टारगेट किया था और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और मेरे ख्याल से ये बीजेपी का फैसला अगर उनके फेवर में जाता है तो उनके लिए अच्छी बात होगी, वरना कह सकते हैं कि भाजपा ने चूक कर दी, भाजपा चूक कर दी इस मामले में। अनिल, ये भी आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जो बस्तर विधानसभा सीट है उसको संभा की राजनीति का गढ़ माना जाता है, ऐसे में इस सीट के लिए किसको चुना गया? देखिए बस्तर जो है वो आदिवासी है और मच्छल बहुल है, पिछली बार भाजपा का वहाँ पे जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इस तरह था पिछली बार वो 2 सीट पीछे रह गई थी, इसके पहले जो है उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो भाजपा जो है वहाँ पूरी ताकत लगाए हुए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और वो ताकत लगा भी रही है उसमें, वो उसका जो पूरा जो फोकस है कि सरकार ऐसा लगने लगा है उसको भी कि सरकार जो है वहीं से बनकर आएगी, तो वो उसमें ताकत लगा रही है। और इसमें छांट के भी चेहरे दिए, जैसे चेहरे ऐसे कोई नए चेहरे नहीं है, लेकिन कुछ इसमें हैरानी की बात यह है कि जहाँ 14 सीट अगर भाजपा ने काटी है, वहीं हारे हुए जो प्रत्याशी है जो पिछले चुनाव में हार गए थे, वैसे जो है 13 लोगों को रिपीट किया गया, तो वो एक चौंका देने वाला फैसला है। अगर आप इस तरफ अगर आप व्यक्तिता नहीं है और आपकी आपकी जो अकाउंटेबिलिटी देख रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ऐसा करके आप 14 जीते हुए लोगों को हार टिकट काट रहे हैं, तो 13 हारे हुए लोगों का टिकट काटना ये हैरान कर देने वाला है। जी बिल्कुल अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो बस्तर विधानसभा को संभाग की राजनीति का गढ़ माना जाता है और बस्तर से पार्टी ने एक बार फिर शुभाऊराम कश्यप पर भरोसा जताया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। कश्यप का कहना है कि पिछले चुनाव में हार के जो भी कारण थे उन्हें सुधार लिया गया है और इस बार दोगुनी मेहनत कर पार्टी भारी मतों से चुनाव जीतेगी। इस बार हम भारी बहुमत से बस्तर विधानसभा सीट जीत रहे हैं, कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और पार्टी ने लगातार पिछले मतलब लगातार 5 वर्षों से संगठन स्तर पे काम चल रहा है, वहाँ पे मतदान केंद्र तक हमारा कार्यकर्ता पूरा पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो विधानसभा है हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। दावेदारी ऐसा है हमारे यहाँ लोकतंत्रीय यदि व्यवस्था पर विश्वास करते हैं तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी पार्टी स्तर में भी लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारा कार्यकर्ता दावेदारी करने का स्वाभाविक अधिकार है, सबका अधिकार है, कोई भी कर सकता है, मगर एक बार पार्टी ने तय कर दिया, ठीक है प्रत्याशी तय कर दिया, तो हमारे सारे कार्यकर्ता मिलकर उसको जिताने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल जो जो कमी रही पिछले बार उसको ठीक करते हुए, हमने वैसे ठीक हो गया है, कोई कमी नहीं है, उसको ठीक करते हुए जो भी यदि मान लो थोड़ा बहुत कमी ऐसा आप लोग को लगता है तो उसको हम ठीक करके उसको पूरी मतलब लगन के साथ और पूरे उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं को लगा के ठीक है सब आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के लिए जारी की गई 38 उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी ने 3 महिलाओं को टिकट दिया है। विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले विधायक टी राजा सिंह को गौशम महल सीट से टिकट दिया गया है, इसी के साथ जहां से वो वर्तमान विधायक भी हैं, वहीं तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लक्ष्मण को भी मुर्शिदाबाद सीट से उतारा गया है। तो इसी कड़ी में उन्होंने मिजोरम विधानसभा चुनाव में अपने 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मिजोरम में 28 नवंबर को मतदान होना है जिसके नतीजे 11 दिसंबर को बाकी राज्यों के साथ ही आएंगे। उम्मीदवार 2 से 9 नवंबर तक नामांकन कर सकते हैं और नाम वापसी की आखिरी तारीख 14 नवंबर है।
तो हैदराबाद के ऐतिहासिक चार मीनार से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी को उनके ही गढ़ में घेरा। राहुल ने ओवैसी की नीतियों पर सवाल उठाए और उनकी विचारधाराओं को नफरत वाली बताया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आक्रामक प्रचार की जमीन तैयार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ओवैसी बीजेपी की नफरत की विचारधारा को साझा करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ओवैसी बीजेपी के साथ नफरत और बांटने वाली विचारधारा के साझेदार है और दोनों पार्टियों की सोच एक जैसी है। कांग्रेस अध्यक्ष का असदुद्दीन ओवैसी पर यह पहला सीधा और तीखा हमला है। राहुल ने कहा कि यह देश किसी एक धर्म या जाति या क्षेत्र का नहीं है, यह सभी लोगों का देश है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान हर भारतीय को शांतिपूर्वक रहने का अधिकार देता है। तो सीधा सीधा निशाना राहुल गांधी ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर साधा। ये कहा कि देश किसी एक क्षेत्र किसी एक धर्म का नहीं है, बल्कि यहां पर सबको शांतिपूर्ण तरीके से रहने का हक है। ये तक कह दिया कि जो सोच बीजेपी की है उसी को एआईएमआईएम भी आगे बढ़ा रही है। और तेलंगाना में राहुल गांधी ने असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा, ओवैसी की नीतियों और विचारधाराओं को नफरत वाली विचारधारा बताया। तो जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस में प्रत्याशी तय करने की भी माथापच्ची तेज हो गई है। कांग्रेस में प्रत्याशी एक बार नाम तय होने के बाद फिर से प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ऐसा होने के पीछे जो कारण सामने आया है वो हैरान कर सकता है। दरअसल प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 3 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां प्रत्याशी चयन को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, चुनाव प्रचार अभियान समिति अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच असहमति है। पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी 71 प्रत्याशियों के नाम तय कर चुकी है और बाकी की 120 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होनी है। इनमें से करीब 36 सीटों पर तीनों नेता अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की जदोजहद कर रहे हैं। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सोमवार से दिल्ली में शुरू होने जा रही है जो 3 दिन तक चलेगी। तो वहीं 26 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी तय सिंगल नामों पर ही विचार किया जाएगा। टिकटों को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश में प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से कमलनाथ और सिंधिया पर छोड़ रखी है। चुनाव में समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे दिग्विजय सिंह 3 दिन के लिए केरल दौरे पर हैं। वे 22 अक्टूबर को दिल्ली लौटेंगे। टिकटों को लेकर मचे घमासान के बीच उनके केरल जाने को लेकर कांग्रेस में अब कई चर्चाएं भी चल रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए को लेकर कांग्रेस में टिकटों के लिए जोर आजमाइश अब अंतिम चरण पर है। कांग्रेस जल्द ही अपनी पहली सूची जारी करने वाली है। तो वहीं मौजूदा सभी 25 विधायकों को दोबारा टिकट दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि बाकी नेता टिकटों पर टकटकी लगाए बैठे हैं। वहीं कई अनुभवी नेताओं ने पहले से ही अपनी नई पीढ़ी के कंधे पर बंदूक रख दी है ताकि मापदंडों के बीच भी टिकट पर सटीक निशाना साधा जा सके। ऐसे वरिष्ठ नेताओं ने अपनी तय रणनीति के तहत नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही मैदान में उतार दिया गया है। करीब दर्जन भर से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं की नई पीढ़ी विभिन्न क्षेत्रों से टिकट की दावेदारी जता रही है। तो नए चेहरों को भी टिकट मिल सकता है और वरिष्ठ नेताओं ने नई पीढ़ी को इस बार मैदान में उतार रही है। तो टिकटों पर कांग्रेस की जोर आजमाइश चल रही है और जल्द ही पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। 25 विधायकों को दोबारा टिकट मिलना भी तय माना जा रहा है। तो वहीं यूपी विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के बेटे विकी यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। विकी की मौत लखनऊ स्थित दरुल शफा में हुई है और परिवार के मुताबिक उन्हें शनिवार रात सीने में दर्द हुआ जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। वहीं विधान परिषद की पुत्र की मौत की खबर से हड़कंप मच गया है।
सत्तारूढ़ दल से लेकर विपक्षी दलों के नेता सभापति के घर पहुंच रहे हैं। वहीं मामले में हजरतगंज थाने की पुलिस ने कहा है कि परिवार के मुताबिक सामान्य मौत ये हुई है। रात को सीने में दर्द के बाद उन्हें अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि दारुल शफा की डी ब्लॉक कमरा नंबर 28 में वे की रहते थे और जब ये घटना हुई तब माँ और भाई भी कमरे में मौजूद थे। पुलिस के अनुसार मौत के कारण की स्पष्ट जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आ सकेगी। वहीं केजीएमयू की मॉर्चुरी में पोस्टमार्टम चल रही है।